अस्सलाम वालेकुम। आज के मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ एएनबी बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करें। तो देखिए, इसके लिए आपको अपने मोबाइल यानी क्रोम ब्राउज़र में गूगल में टाइप करना होगा एएनबी बैंक ओपन अकाउंट। तो ये इसकी साइट आ जाएगी, तो बस इसके ही ऊपर आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ देखिए, गेट स्टार्ट के ऊपर भी कर देना होगा क्लिक। अब यहाँ ओपन अकाउंट नाउ है, तो बस इसके ही ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, सबसे नीचे आ जाना है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ ये दोनों जगहों पर टिक करना है, फिर उसके बाद देखिए नीचे है नेक्स्ट, तो बस इसके ही ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सबसे नीचे आना है और यहाँ करना होगा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। अब देखिए, यहाँ पर आपको अपना इकामा नंबर और नीचे मोबाइल नंबर डालने के बाद सबसे नीचे करना होगा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। तो देखिए, जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसी नंबर पर ओटीपी आएगा, तो बस वही ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जब आप लोग ओटीपी डाल देंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नंबर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, मुझे 32 नंबर देखने को मिल रहा है, तो ये नंबर को आपको नोट करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको डायरेक्ट इसको कट करना है और आपको अपने नफात ऐप को ओपन करना है। नफात ऐप ओपन करने के बाद यहाँ करना है एक्सेप्ट, फिर इसको यहाँ करना होगा प्रोसीड। तो जो नंबर आपको वहाँ पर देखने को मिला था, वही नंबर को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे देखिए, मुझे वहाँ पर 32 नंबर देखने को मिल रहा, तो मैं यहाँ 32 के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब आपके जो भी नफात ऐप का पिन होगा उसको यहाँ पर डाल देना है, तो आपका मोबाइल का कैमरा यह ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आपको अपने फेस को इस कैमरे के सामने लाना है ताकि फेस का वेरीफाई हो जाए। अब आपको फिर से उसी ऐप को ओपन करना है, इसी पेज पर आ जाना है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ये आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पर ले करके जाएगा। अब यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ है एजुकेशन लेवल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप कितना पढ़ाई किए हैं इसको आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है, और अगर वो नहीं मिलता है तो यहाँ अदर्स के ऊपर भी आपको कर देना होगा क्लिक। अब देखिए नीचे होम कंट्री, तो इसमें आप लोगों को अपने होम कंट्री का सारा एड्रेस डालना होगा, जैसे स्टेट, सिटी, गांव, मोहल्ला या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन और अपने घर का मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर उसके बाद देखिए नीचे एम्प्लॉयर स्टेटस में, यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर कर देना होगा क्लिक। फिर अब देखिए, उसके नीचे है जॉब टाइटल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके इकामे के ऊपर जो भी जॉब लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। फिर अब देखिए, यहाँ एम्प्लॉयर नेम में आपको अपना नेम डाल देना है। फिर अब देखिए नीचे जॉइनिंग डेट ऑफ जॉइनिंग है, तो आप इस जगह पर कब से काम कर रहे हैं उसको चूज कर लेना है। फिर अब देखिए, आप यहाँ पर देख लें, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद देखिए, आपको नीचे आ जाना है, आप यहाँ पर सब कुछ अच्छे चेक कर लें, इसी तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद यहाँ करना होगा नेक्स्ट। तो अब देखिए, फिर से आपको यहाँ पर करना होगा नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर आपको यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यूज़र नेम आपका इकामा ही होगा, इकामा नंबर ही आपका यूज़र नेम होगा, और ये दोनों में आपको सेम पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, और जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं, जब वो पासवर्ड बिल्कुल सही होगा तो ये सब जगहों पर ग्रीन टिक लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर करना होगा नेक्स्ट। तो अब देखिए, जो भी आपको अपने इस एटीएम कार्ड का पिन बनाना है, वो चार नंबर, फोर नंबर, ये दोनों में आपको सेम नंबर डाल देना। फिर उसके बाद नीचे करना होगा नेक्स्ट। तो देखिए, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे देखिए, हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमको आईबीएन नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब देखने को मिल रहा है, ये सब हमको मिल चुका है। तो इस तरीके से आप लोग एएनबी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पर आपका एटीएम कार्ड आ भी जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।